बहुत फील के साथ खेल रहा था और अभी पता चला कि बीजीएमआई इंडिया में बैन हो सकता है। अब ऐसा क्यों, सब कुछ दिखाता हूं। तो आईजीएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अब आईजीएन क्या है पहले ये बता दूं, रेप्यूटेड मीडिया एजेंसी है गेमिंग में और अमेरिका में सिचुएटेड है, लेकिन अब इंडिया में भी काफी सारा ये काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक बीजीएमआई का इरेंगल गेम प्लेबैक किया और एक ऐप है डेटा पैकेट स्निफर, जिसपे इन्होंने आईपी एड्रेसेस को ट्रेस किया कि कहां कहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। तो जब इन्होंने पूरा का पूरा गेम प्ले कंप्लीट कर लिया और इनको मिला कि टेंसेंट के कुछ सर्वर्स पे डेटा जा रहा है जो बीजिंग में है, अब सर्वर के नाम भी बता देता हूं, क्यू क्लाउड और एंटी चीट एक्सपर्ट, और कुछ डेटा माइक्रोसॉफ्ट के अजूरा सर्वर पे भी जा रहा था जो मुंबई यूएस और मॉस्को में सिचुएटेड है। तो यहां से यह पता चलता है कि अभी भी जो बीजीएमआई का डेटा है, साथ ही साथ जो एंड्रॉइड डिवाइस आप यूज कर रहे हो प्लस यूजर डेटा, वो शेयर हो रहा है चाइना के साथ। और बीजिंग में एक सर्वर आईपी एड्रेस पे ओवर ट्रेस हुआ जो टेंसेंट का ही था, टेंसेंट रन प्रोक्सीमा बीटा, मतलब मैक्सिमम डेटा आपका चाइना के साथ शेयर हो रहा है। अब ये रिपोर्ट ऑफिशियली वेबसाइट पे भी आ चुकी है और डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में भी आएगी, और अगर सिक्योरिटी रीजंस को देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं बीजीएमआई के साथ दिक्कत आ सकती है। अब मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर कि अगर डेटा शेयर हो रहा है टेंसेंट के सर्वर पे, तो दो चीजें इसमें, पहली पूरा का पूरा गेम एज इट इज है तो मे बी बेवकूफ बनाया जा रहा हो, क्योंकि देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं था, एशिया की जगह इंडिया सर्वर आ गया, इंडिया दिखा के चाइना डेटा भेज रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो बेटा, खून की जगह पंख उड़ने लगे, और गेम पूरा एज इट इज है। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर ये गेम अलग से डेवलप किया जाता, क्योंकि स्क्रीन ऑन होते ही सिर्फ क्राफ्टन लिखा रहा है, पहले टेंसेंट गेम आता था, अगर पूरा गेम बिल्कुल अलग से डेवलप किया जाता तो जो मोड्स थे वो सारे के सारे एज इट इज पबजी वाले नहीं आ सकते थे, मोस्ट प्रोबेबली इरेंगल आता, टीडीएम आ जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। पूरा का पूरा गेम एज इट इज है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ लॉन्च कर दिया गया, एंड डेफिनेटली जो सर्वर्स हैं वो इंडिया के तो है नहीं। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो वीडियो था, मैंने आपको बताया था कि आप पुरानी आईडी का डेटा नई आईडी पे ला सकते हो, अब वो पॉसिबल ऐसे तो हो नहीं सकता कि इंडियन सर्वर्स में इन्होंने सारा डेटा उठाया और ला के रख दिया, इन्होंने दूसरे सर्वर्स को कनेक्ट किया हुआ है जो टेंसेंट के हैं, वहां से डेटा ये इधर ला रहे हैं, तो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए टेंसेंट के जो सर्वर्स हैं उनके साथ इसको कनेक्ट किया गया हो, जिससे डेटा रिकवर हो जाए और उसके बाद ये उसको सेपरेट कर देंगे, या फिर बेवकूफी बनाया जा रहा है और झेलो। और क्राफ्टन की पॉलिसी अगर ध्यान से देखियो, वैसे बिल्कुल नहीं देखियो कि फटाफट एग्री 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 कर दिया होगा आपने, तो उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था कि जो बीजीएमआई का डेटा है वो हम इंडिया में तो स्टोर करेंगे लेकिन दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट है। तो अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों डेटा शेयर करना है, अब ये तो यही लोग जाने। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यही है कि जो डेटा रिकवर हो रहा है पुरानी आईडी का, इसीलिए इन्होंने जो टेंसेंट के सर्वर है उसके साथ इस गेम को अभी कनेक्ट किया हुआ है, जब तक ये बीटा टेस्टिंग में है या मे बी एक दो हफ्ता ये कनेक्टेड रहे, जैसे ही डेटा रिकवर हो जाएगा पुराने यूजर्स का उसके बाद ये इसको सेपरेट कर देंगे। और अगर ये चीजें इंडियन गवर्नमेंट के सामने आ गई तो ये तो पक्का है कि गेम बिल्कुल नहीं बचने वाला। अब देखते हैं कि क्राफ्टन इस पे क्या एक्शन लेता है। जानना चाहता हूं आपके ओपिनियन क्या है और आप क्या सोचते हो कि गेम दोबारा से रिलॉन्च करने के बाद भी क्राफ्टन को क्या ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि गेम देखो एज इट इज है, ये आप लोग भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि पबजी ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े बहुत आर्ट और कुछ जो टेम्पलेट्स थे या टाइटल थे वो चेंज कर दिए, बाकी गेम तो दोबारा से रिलॉन्च ही हो चुका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्राफ्टन को फटाफट इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए जिससे वो इस गेम को बचा सके। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लेना, काफी सारे बिहाइंड द सीन्स वहां पे देखने को मिलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।